नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रविंदर टॉक्स। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं, मैं कुछ लोगों को मालूम नहीं होता कि मैं एयरटेल मनी का इस्तेमाल कैसे करूं, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं एक अपना ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। तो मे बी आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें गूगल प्ले स्टोर में जाना है, उसमें एयरटेल मनी सर्च करना है और एयरटेल मनी को डाउनलोड कर लेना है। तो ये मेरा एयरटेल मनी डाउनलोड हो रहा है, ये 24.70 MB का है, तो मे भी ज़्यादा बड़ा लिंक नहीं है, थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा। तो मेरा ये लगभग 100% हो चुका है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, तो हम कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं। जैसे ये इंस्टॉल होता है तो मैं उसके आगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है, चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सबसे नीचे आ रहा है कंटिन्यू, तो हमें इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये अपने मोबाइल की कुछ परमिशन मांगेगा, इसको हमने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद इसमें सिम की डिटेल मांग रहा है, तो मेरा इसमें एयरटेल का जो सिम है वो सिम स्लॉट 1 में डला हुआ है, तो इसको 1 पे सिलेक्ट करके मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये वेरीफाई होगा और मेरे एक इस नंबर पर एक SMS रिसीव होगा मुझे, OTP। तो अभी OTP आ गया है और ये ऑटो फिल भी हो गया है। अब ये ऑटोमेटिक इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद तो मुझे इस सब की चीज़ों के बारे में आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और ओके गॉट इट करेंगे। गॉट इट करने के बाद फिर से एक बार ये दोबारा कॉन्टैक्ट्स की डिटेल मांगेगा, तो इसको आप अलाउ कर सकते हैं। अलाउ करने के बाद मेरे एयरटेल के मोबाइल नंबर या जितनी भी मेरे इस नंबर से संबंधित एयरटेल से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। जैसे मेरा एयरटेल का DTH कनेक्टेड है तो उसकी पूरी डिटेल इसने ऑटो उठा ली है। इसके बाद मेरा एयरटेल का ये मोबाइल नंबर है जो पोस्टपेड चल रहा है तो उसकी भी डिटेल इसने उठा ली है। इसी तरह एयरटेल का ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो या किसी और तरह की सारी सर्विसेज हो तो इसके अंदर वो आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, एयरटेल मनी के अंदर जाना है। ऊपर आप देख रहे होंगे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, माई एयरटेल, पेमेंट्स बैंक और एंटरटेनमेंट। तो आपने क्या करना है, पेमेंट बैंक में जाना है। पेमेंट बैंक में जाने के बाद मैं आपको एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं कि जो एयरटेल मनी बैंक अकाउंट है ये हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो और बैंकों के मुकाबले 4.0% देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। तो अगर आपने इसके थ्रू पेमेंट करनी है तो पेमेंट कैसे करेंगे, इसकी जानकारी देने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है इसने सेविंग अकाउंट की डिटेल में, नहीं इससे बाहर आ जाइए, पेमेंट ऐड करने होगी। सबसे पहले ऊपर देखिए सेविंग अकाउंट जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर कॉर्नर में, वहाँ पे जाइए और उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें ऐड मनी का ऑप्शन आएगा। ऐड मनी करने के लिए आपने जितना भी अमाउंट सेलेक्ट करना है उतना अमाउंट इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए मैंने इसमें सेलेक्ट किया 5000 रुपीज़। उसके बाद इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल मांगेगा कि आप कौन से बैंक से इसमें पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग, कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं और इसमें कई बैंक भी हैं ऐसे, इसमें आपसे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका बैंक हो। उसको वेरीफाई करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो आपके एयरटेल मनी अकाउंट में आ जाएगी। जैसे कि इस टाइम मेरे पास मेरे एयरटेल मनी अकाउंट में 27.73 रुपीज़ अवेलेबल है। अब आपने करना क्या है, इस पेमेंट से आप क्या करेंगे, इस पेमेंट से आप अपना नीचे देख सकते हैं रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर, ऑपरेटर, इसमें प्लान भी ब्राउज़ कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर DTH का ऑप्शन है तो DTH की ID डालने के बाद कौन सा ऑपरेटर है उसकी पेमेंट ऑप्शन कर सकते हैं। उसी तरह इसमें डाटा कार्ड है तो कई तरह की सर्विस इसमें अवेलेबल। उसी तरह आपने क्या करना है, अपने पोस्टपेड बिल की पेमेंट करनी है तो इसके अंदर ऑप्शन है, मोबाइल की पेमेंट कर सकते हैं, अपने एयरटेल लैंडलाइन की पेमेंट कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड की पेमेंट कर सकते हैं, डाटा कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर सकते हैं, और तो और इसके अंदर इंश्योरेंस है उसकी भी पेमेंट कर सकते हैं, गैस की पेमेंट कर सकते हैं, पानी की भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर खुद ही आती जाएगी। और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक ऑप्शन है स्कैन टू पे, इसे क्या करेंगे आप, रिटेलर शॉप पे जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं
परचेज करने के बाद एक बार कोड जनरेट होता है। बार कोड जनरेट होने के बाद आप उसका QR कोड स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद उसकी पेमेंट कर देंगे। उसी की तरह इसमें एक अगला ऑप्शन है एड मनी। एड मनी का मैंने आपको बता ही दिया है, वहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ से है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर से जाके पेमेंट सेलेक्ट की थी, आप यहाँ मैनुअली कर सकते हैं। जैसे 500 ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन मांग लेगा, वही सेम प्रोसीजर है जो आपने वहाँ से देखा था। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन और इसमें मोर में करेंगे तो बाइक इंश्योरेंस है, सेंड मनी है, आप इससे किसी को बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ATM विड्रॉल का भी ऑप्शन आ गया है, पर अभी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो बस दोस्तों अभी फ़िलहाल यही था, आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और इसे अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूँ।